गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार मैडम। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। आपने एंजल थेरेपी कोर्स आपने करवाया था ना? हाँ जी, मैंने ही करवाया था। गुड इवनिंग यस मैम। यस, क्योंकि मैं ये हो गया, मैंने एनरोल किया था, पहले दिन अटेंड भी किया, फिर मेरे को एक डेवलपमेंट हो गया हेल्थ का, तो मैं पूरा सेशन नहीं कर पाया। लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाती है। शिल्पी शर्मा मैडम मेरी सबसे फेवरेट मैडम है, और आपका एक क्लास करके आप मेरी बहुत फेवरेट मैडम है। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा पढ़ाती है मैडम। वो मेरे को, मैं खुद टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में, तो मैं जानता हूँ कौन टीचर कैसा पढ़ाता है। इसलिए शिल्पी शर्मा तो मेरी मतलब इतनी फेवरेट है ने? और मैं दिल्ली गया था ऑल द वे आपका वो वर्कशॉप अटेंड करने, नहीं लेकिन मैडम से मिलने। तो मैं जानता हूँ, क्योंकि एंजल आपने पढ़ाया था सिर्फ एक दिन, उसमें मुझे रिवर डिफरेंस। थैंक यू। मोस्ट वेलकम हाँ, मैडम। सभी लोग अपने अपने नामों से ज्वाइन करें प्लीज। जिनके भी नाम नहीं होंगे उनका, आप लोग सभी अपने नामों से ज्वाइन करें ताकि हम लोग आपको देख पाए, समझ पाए आप लोगों के नामों को। जो भी अपने फोन नेम से ज्वाइन है वो लोग अपने नाम से करें। हेलो मैम, गुड हाँ जी, इवनिंग, हेलो, गुड मैं इवनिंग। शांति बोल रही हूँ। हाँ जी, ओके ओके। हाँ जी बोलिए। कैसे हैं मैम? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया लगा आपका सेशंस अटेंड होते हुए। तो मैं वो सब देख रही हूँ, और मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैम मनी की रिलेटेड। आप ग्रैंड मास्टर ने मनी का भी अटूनमेंट दिया, चार चार या तीन, तो मुझे नाम याद नहीं मैम, सॉरी। हमको अलग मनी रेकी करना है, जब वो अटूनमेंट आपने दिया वो प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों में, मतलब हमको दोबारा मनी रेकी करना है। देखिए, मनी रेकी का अलग है। जब आप मनी रेकी सीखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसके अंदर जो हमारे सिंबल्स हैं वो बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जब हम मनी रेकी करते हैं या कोई भी एक प्रॉपर किसी भी चीज को लेकर अगर हम काम करते हैं तो हम पूरा उसी के ऊपर फोकस्ड होके काम करते हैं, है ना? उसके अंदर प्रॉपर आपको पूरा अच्छे से हर चीज को समझाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। हालांकि उसमें भी हमने अच्छे से ही हर चीज समझाई है, बट इसके अंदर एक सब्जेक्ट लेकर और फिर उसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा, और हाँ मैम, और इसमें भी जैसे कि रेकी में डिस्टेंट हीलिंग करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम दूसरों को डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं। है ना? हाँ बिल्कुल, कर सकते ना। अब हम सीखेंगे ना, अभी अभी तो आज फर्स्ट वेबिनार ही है, तो अभी क्लास को पहले हाँ स्टार्ट हाँ करेंगे, हाँ पहले हाँ वेबिनार ओके करेंगे। मैम। हाँ, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ आपके सेशन अटेंड करने के लिए, वेट कर रही हूँ एक्चुअली। चलिए थैंक चलिए यू। हम लोग, हाँ थैंक यू। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सभी एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने इष्ट देवता, जिसको भी आप मानते हैं अपने गुरु, उनका 1 मिनट के लिए उनका ध्यान करेंगे और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांसें लें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें। टेक अ ब्रीथ डेप इन आउट, इन आउट, अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की तरफ लेके जाएं और उस ब्रह्मांड में अपने इष्ट देवता, अपने गुरु, जिसको आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं,
उनको विजुलाइज करें, उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप उस ज्ञान को बहुत आसानी से अपने जीवन में अर्जित कर पाए, उसे समझ पाए, जान पाए और अपना भला कर पाए, साथ ही अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति का भला कर पाए। अपने दोनों हाथों पर रख करें, अपनी आंखों से लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। चलिए ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं उपासना हूं और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर मैं रेकी सिखाती हूँ, रेकी के साथ साथ जैसे कि एंजल हीलिंग्स करवाती हूँ, प्लस रेकी की करुणा रेकी, मैग्निफाइड हीलिंग, वॉलेट फ्लेम रेकी और अभी आज आप लोगों के साथ हमारा मनी रेकी का वेबिनार है। तो ये सभी चीजें मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी मोडालिटीज पर मैंने काम किया है और काम कर भी रही हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मैं यही सब कुछ सिखाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ही सिंपल हूँ और बहुत ही सिंपलसिटी में बिलीव करती हूँ और वही मेरी लाइफ का एक मोटिव है और उसी के जरिए मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगी कि एक सिंपल तरीके से आप उस मोडालिटी को जो हम आज मनी रेकी सीखने जा रहे हैं, इस मोडालिटी को सीखें, समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो सिंपल चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करता है और हमारा जो दिमाग होता है वो कहता है कि जो चीज़ आपको आसानी से मिलती है हम उसको आसानी से हम वो काम करना पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सिंपलसिटी इज द बेस्ट वे टू लाइव योर लाइफ। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मनी रेखी से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग मनी के बारे में क्या समझते हैं, आप लोगों के हिसाब से मनी का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, व्हाट इज मनी? क्या आप में से कोई एक व्यक्ति ये बात बोल सकता है कि आप मनी को क्या समझते हैं? मनी क्या है? देखिए एन मनी, एसेंशियल कमोडिटी टू सस्टेन लाइफ। ओके okay. मनी भी एक फॉर्म की एनर्जी है मैम। निकिता जी कहते हैं कि मनी कुछ फील नहीं आता सुनकर, यही बोला ना आपने? क्यों? हाँ ऐसा देखिए, अगर आपको कुछ भी फीलिंग नहीं आती तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है, उस तरीके का एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है जिसको हमें इस क्लास के अंदर ठीक करना है। मॉनेटरी थिंग्स ठीक है, आप सबके अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जो मेन हमारा मनी होता है, मनी को आप कहाँ पर, मतलब उसको कैसे आप फील करते हैं, कैसे उसको देखते हैं? मनी कहाँ, मनी आपके पर्स में होता है, आपके बैंक में होता है, आपके ऑफिस में होता है, कहाँ पर होता है मनी?
मनी एक जगह किया सारा खराब बुलाइए। कहाँ पे होता है मनी? मनी हमारे थॉट्स में होता है, हमारे विचारों में होता है। हम सोचते हैं, फिर हम काम करते हैं और फिर हमको पैसा आता है, ठीक है। और मनी क्या है? मनी इज अ पॉजिटिव एनर्जी, वो एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम जीवन के सुख सुविधाओं को खरीद सकते हैं, सुख सुविधाओं को, जो हमारे जीवन में भौतिक सुख है, हम भौतिक सुख सुविधाओं को पा सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है। मनी क्या है? मनी एक अबेंडेंस है। मनी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ कुछ नोट हैं या कुछ सिक्के हैं। मनी का मतलब होता है अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे को हर फील्ड में, हर चीज में, हमारे को अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तभी आप उस पैसे का सुख अनुभव कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास करोड़ों रुपए है और फिर वो आपके बच्चे जमीन जायदादों की लड़ाई कर रहे हैं, या फिर आप बीमार हैं और वो सारा पैसा आपका हॉस्पिटल्स में जा रहा है, तो उस पैसे का कोई, उससे तो बंदा सोचेगा ना कि इसे तो ना ही हो, है ना, बंदा ऐसे ही रहना पसंद करेगा। आप देखो, ये भी एक प्रकार का एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। बहुत सारी फैमिलीज के अंदर ऐसा होता भी होगा, पैसे को लेके लड़ाई झगड़े, जमीन जायदादों के ऊपर झगड़े। तो उनकी जो आगे की जनरेशन है वो क्या सोचेगी? वो यही सोचेगी ना कि ये एक मुसीबत है, ये एक जड़ है, लड़ाई की जड़ है, इसे तो अच्छा ना ही। या फिर अगर किसी का पैसा लगातार बीमारियों में निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, इसे तो अच्छा ना ही हो, लेकिन कम से कम बीमारी ना हो, जीवन में सुख हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, आपके हाथ पैर सलामत है तो सब कुछ ठीक है, पैसा तो इंसान कमा ही लेता है ना। ये पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, लेकिन उतना तो होना चाहिए ना कि आप एक अच्छा जीवन जी सको, एक प्रॉस्पेरिटी हो आपके जीवन में, एबेंडेंस हो आपके जीवन के अंदर। तो मनी इज अ पॉजिटिव एनर्जी, अगर वो आपके जीवन में है तो आप अपने जीवन के सारी तरह के सुख सुविधाओं को बहुत आसानी से खरीद सकते हैं, बहुत आसानी से पा सकते हैं। मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल सुख जो होता है वो भी आपको मनी से ही मिलता है। भौतिक सुखों से जब आपका जीवन तृप्त होता है तब आप जाते हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर, वरना एक आम इंसान का जीवन क्या होता है? एक आम इंसान का जीवन सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक ही सीमित रहता है। वो सोचता है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान ही कर लूं, बच्चों को पढ़ा ही लूं, अपनी हर इच्छाओं को वो दबाता चला जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती है कि अपने लिए समय ही नहीं है सोचने के लिए। तो उसको आप अबेंडेंस नहीं कह सकते, उसको आप प्रॉस्पेरिटी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आज हमें बात करनी है कि किस तरीके से हम पैसे को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, पैसे को अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं, इस क्लास के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से, और जो भी हमारी आगे क्लासेस होंगी उसके माध्यम से हम आपको सिर्फ इतना सिखाएंगे कि आप पैसे को अपने लिए किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं, आपके दिमाग में कहाँ पर कौन सी चीज है, उस चीज को क्लिक कर कर आप उस चीज को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखार सकते हैं। लेकिन उस पर काम आपको ही करना है, ठीक है ना, काम आपको ही करना है। सिर्फ हम आपको एक तरीका बताएं, ठीक है। सबसे पहले इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, जो आज हमारा वेबिनार है, इसके अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये किसने डिस्कवर किया था। जैसे हमारा रेकी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि दिस इज अ जापानीज टेक्निक, हालांकि वो हमारे भारत की ही है, लेकिन हमारे भारत में उसके ऊपर काम नहीं हुआ, फिर ये हमारे जापान से डॉक्टर मिकाओशी द्वारा वापस आई और अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारी रेकी होती है, तो उसी का ये एक पार्ट है। जैसे अभी उन्होंने बोला कि आपने ग्रैंड मास्टर में हमने ये सब सीखा था, आपने समृद्धि शक्तिपात भी हमको दिया था। हाँ, हमने आपको समृद्धि शक्तिपात भी दिया था, आपको काफी कुछ सिखाया भी था, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स। ये एक छोटा सा एक पार्ट है। ये जितने भी हमारे कोर्सेज, जो हमारे मेन, हमारे जो 5 लेवल्स होते हैं ग्रैंड मास्टरशिप के, मेन रेकी हमारी उतनी ही होती है, पर उसके अलावा हमने बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी लाइफ की, अपने खुद के मेडिटेशंस के द्वारा अपने सिंबल्स को बनाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके अलग अलग नाम से
आ जाती है। और ऐसा नहीं होता, वो सारे जो सिंबल्स होते हैं उन सबका वो सब कुछ के ऊपर बहुत काम किया जाता है, तब जाकर वो आप लोगों के जाता सामने आता है, ठीक है ना। तब जाकर वो आप लोगों के सामने आता है। तो मनी रेकी को किसने डिस्कवर किया था? मास्टर टेरी मास्टर टेफ्री ब्रेंस ने इसको स्टार्ट किया था। मास्टर टेफ्री ब्रांस ने इसको कैसे स्टार्ट किया था? मास्टर टेफ्री ब्रांस बहुत छोटी एज में, जब वो 23 ईयर्स के थे, उनको बीमारी हो गई, क्रॉनिक डिजीज हो गई, और उनका जितना भी पैसा था वो सब उनका उसमें निकल गया अपने आप को ठीक करने के लिए। तो एट द एज ऑफ 24 उनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन उनको कहीं से भी पैसे की कोई हेल्प नहीं मिली। वो बहुत परेशान रहे, इधर उधर सब जगह उन्होंने हाथ पैर, जहां तक वो मार सकते थे उन्होंने वो सभी हाथ पैर मारे उस पैसे को कमाने के लिए, उस पैसे को पाने के लिए, कि उनको कहीं से भी कोई हेल्प मिले, पर उनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली। उन्होंने जैसे सुना, किताबें पढ़ी कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करो। उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनके जीवन में उस चीज का कोई भी उनको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी हमारा काम करती है जब हमारा जो माइंड होता है वो हर चीज को पॉजिटिव, और जब हम उस चीज को सच में मानना शुरू करते हैं तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। जब हमारा बिलीफ सिस्टम अंदर से कमजोर है, वीक है, तो हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, 101% काम करती है, लेकिन वो तभी काम करती है जब आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप पॉजिटिव शब्दों को तो बोल रहे हैं, सब लोग आपको बोलते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन आप कैसे पॉजिटिव सोचो? क्योंकि अंदर तक इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, जो जिस इंसान के ऊपर वो बीतता है उस तकलीफ को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है, दूसरे लोग नहीं समझ पाते। जैसा ये कहावत आपने सुना होगा कि जब तुम्हारा मतलब जिसके जीवन पे बीती है वही उसको समझ पाता है। तो एग्जैक्टली, जो व्यक्ति इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज के साथ सामना कर रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, अपने आप को एक अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके लिए अच्छा अपने आप को फ्रूट्स खाना, ये सब चीजों की हमें जरूरत होती है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। एक आम इंसान की भी कहानी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे उस व्यक्ति को आप ये कहो कि ये लो पॉजिटिव थॉट्स की, इसको पढ़ो और अपने जीवन को बदलो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वो व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस इतना खराब हो चुका होता है कि वो नहीं कर सकता वो चीजें। उस वक्त में उस व्यक्ति को चाहिए होता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, बस कुछ चमत्कार हो जाए। और जादू भी होता है, और जादू केवल उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में होता है जो सच में उस पर बिलीव करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। चलिए, अब वो व्यक्ति जब बहुत ज्यादा परेशान हुआ, और फिर उसके कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि उनके एक फ्रेंड है, उसके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम आ रही है, और बैंक करप्ट हो चुके हैं, वो भी बैंक करप्ट हो चुके हैं, उसका दोस्त भी बैंक करप्ट हो चुका है, उसने घर लिया था किश्तों के ऊपर, और वो किश्तें ना भरने के कारण उनके घर के ऊपर ताला लग गया है, सील लग गई है, और बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जब उन्हें कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिला, तो फिर उन्होंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में बैठे, मेडिटेशन करते करते उनको इस यूनिवर्स एनर्जी ने कनेक्ट करा, और इन यूनिवर्सल एनर्जीज के माध्यम से उन्होंने कुछ सिंबल्स उनके उनको नजर आए, फिर उन्होंने उन चीजों के ऊपर काम करते करते अपने जीवन को अच्छा बनाया, बेहतर बनाया, और फिर उसी तरीके से उन्होंने एक नया कोर्स को डेवलप करा, और ये आज हम यहाँ पर उसको सीख रहे हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे होते हैं जिसको सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। अब मनी को लेकर हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं,
क्योंकि हमारे अंदर, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमने अपने पेरेंट्स से कभी सुना होगा कि बहुत मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं तो ये सच्चाई भी है। इंसान को मेहनत तो करनी ही चाहिए जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन मेहनत तो एक मजदूर भी करता है ना, फिर भी वो एक मजदूर ही रहता है। एक रिक्शे वाला भी करता है, लेकिन वो एक रिक्शे वाला ही रहता है। ठीक है, आपने बहुत सारे मंदिरों में ये बातें सुनी होंगी कि मोह माया को छोड़ दो। एग्जैक्टली, मोह माया को हमें छोड़ना ही है, लेकिन मोह माया को छोड़कर आप उस परमात्मा को पा तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी अंदर की क्लीननेस चाहिए। सबसे पहले, सबसे पहले आपके, जब तक आपने अपने जीवन में उन भौतिक सुखों का आनंद ही नहीं लिया, तो आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। या तो कोई आपके पीछे के इतने स्ट्रांग कर्माज हो कि आपने बचपन में ही सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया और चले गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं और आपकी जिंदगी में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, हर तरफ अपने जीवन में सुख देखना चाहते हैं, और ऐसे में आप उस मोह माया को नहीं छोड़ सकते। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, आप किसी भी, आप देखिए ना, किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, आप कभी भी आपस में बात करिए, लोग बात करते हैं अच्छे रिश्तों की, बात करते हैं हेल्थ की, लेकिन जब आती है बात पैसों की, तो ना मेरे को तो कोई लालच ही नहीं है, मैं तो ये सब परवाह ही नहीं करता हूँ, करती हूँ। जहां पर भी वो बात आती है घूम फिर के पैसों की, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वो बन जाता है ना। लेकिन हर व्यक्ति को इंटरनली कहीं ना कहीं लालच होता है, जरूरी नहीं कि पैसों का ही लालच होता है, लेकिन पैसों से जुड़ी चीजों का होता ही। एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी आपको वो पैसों की जरूरत है ही। बिना पैसों के आप अच्छे खाना नहीं खा सकते, अच्छा फ्रूट नहीं खरीद सकते, अच्छी आपकी कैसे हेल्थ मेंटेन होगी। बिना पैसों के आप जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े नहीं, एक स्टेटस सिंबल अपना नहीं बना सकते। तो लेकिन अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसे काम करता है, ऐसे चलता है, तो वो एक तरीके से एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जिसको हम हर रोज सीखते भी हैं, हर रोज इधर उधर से सुनते भी हैं, और वो धीरे धीरे करके हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। बचपन से ही हमने सुना होता है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, मतलब मैल होता है, हाथ का मैल है, आप उसको धोओगे तो वो तो पानी की तरह बह ही जाएगा ना हाथों से। तो इस तरीके से हमारे जो बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं ना, उसके कारण वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और जब वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, तो फिर हम उस चीज को, जैसा भी उन्होंने बोला ना कि मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती पैसे को लेकर, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं है मेरे अंदर, वो धीरे धीरे ऐसा ही हो जाता है इंसान, उसके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे हम लोग हर क्लास के अंदर, हर मोडालिटी के अंदर चक्रास के ऊपर काम करते हैं। चक्रास के ऊपर हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि यही हमारे केंद्र होते हैं, सेंटर पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, जहां से हम लोग इन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, इमोशंस को, फीलिंग्स को, पैसे को, हेल्थ को, हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे जगहों पर ऐसे मिथ है, ये मेरे हिसाब से ये एक मिथ है कि अगर आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप जिंदगी में हर चीज को हासिल कर सकते हैं। 99% ये मिथ नहीं है, 99% ये सच है, लेकिन 1% ये मिथ है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अपनी थर्ड आई के ऊपर काम करते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव, आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। थर्ड आई तक पहुंचने के लिए आपको रूट चक्र से निकलना पड़ता है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, अपने सोलर प्लेक्सस, हर चक्र को डे वन टू कर आप थर्ड आई पर जाए, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है, अगर आपकी थर्ड आई पर आप काम कर रहे हैं, तो आप जीवन में हर चीज को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक है, तो आप पैसे को कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं अट्रैक्ट कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपने रूट चक्र पे बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि रूट चक्र जो होता है, ये हमारा भौतिक जीवन, हमें यहीं से सारे प्रकार के रोटी कपड़ा मकान मिलता है, भौतिक सुख जीवन के यहीं से मिलते हैं, सिक्योरिटी की फीलिंग हमको उसी चक्र से मिलती है। अगर आपका वो चक्र बैलेंस है, तो आप अपने जीवन में हर चीज को पा सकते हैं। तो वहीं से आपकी शुरुआत है। रूट चक्र कहाँ पर होता है? रूट चक्र हमारे सबसे नीचे, हमारे जो
ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसके पास, जो हमारी टेल बोन होती है, वहां पर हमारा रूट चक्र होता है, जहां पर हमारी कुंडलियां भी, हम जो हमारी कुंडली होती है, वो कुंडली भी उधर वहीं से उठती है। जब हम इन सेवन चक्रास के ऊपर काम करते हैं, जब हम कुंडली अवेकन करते हैं, तो वो कुंडली भी वहीं से हमारी उठती है। तो वो हमारा रूट चक्र होता है, और जब हम उस रूट चक्र के ऊपर काम करते हैं, तो जैसे जैसे वो उसकी सारी नेगेटिविटी बाहर आती निकलती जाती है, तो फिर आप बैलेंस होती हैं वो चीजें हमारी, तो हम अपने जीवन में इन सभी सुखों को पा पाते हैं, अर्जित कर पाते हैं अपने जीवन के अंदर। जैसा हमने बोला कि ये हमारा भौतिक सुखों से हमारे को ये चीजें हैं, रूट चक्र हमारा सबसे पहला चक्र होता है, इसके जो हमारे देवता होते हैं, ये हमारे गणेश जी होते हैं और माता काली होती हैं। अब गणेश जी, आप देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ना? तो वही चीज है कि जब भी हमें कोई भी शुभ काम करते हैं, तो हम सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं या गणेश जी के जाप करते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका होता है इस रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, इनका जो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र को हम उसका आप जाप कर सकते हैं 108 बार। उसका जाप कर कर भी आप अपने इस रूट चक्र को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर, जब हम मनी रेकी को सीखते हैं, किसी भी प्रकार की रेकी को हम जब सीखते हैं, तो हम वहां पर अट्यूनमेंट प्रोसेस देते हैं, है ना? अब अट्यूनमेंट हम क्यों करते हैं? अट्यूनमेंट हमारे जो अंदर की जितनी भी हमारी एनर्जीज हैं, उन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए हम अट्यूनमेंट करते हैं। ये हमारी कोई, क्योंकि अट्यूनमेंट यानी कि हम एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ काम करते हैं, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज, वो हम अपने शरीर के अंदर की जो हमारी एनर्जी होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को एक लेवल पे मेंटेन करते हैं, ताकि हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकें, उनके साथ हमारा कनेक्शन बन सके, और हम ब्रह्मांड से चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब अपनी तरफ हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग अट्यूनमेंट का प्रोसेस रखते हैं, इसीलिए हम अट्यूनमेंट आपको देते हैं। अब यहाँ पर हमारे 3 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही होता है। लेवल 2, लेवल 3 में हमारे आगे सिंबल्स के ऊपर हम काम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का भी अट्यूनमेंट यहाँ पर मैं आपको दूंगी, वो हमारा लेवल 3 के बाद होगा, तो यहाँ पर हम उस पर भी काम करेंगे। तो इस तरीके से हम मनी रेकी को अपने जीवन में यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम्स को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हमने कैसे डिलीट करना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। और उस जगह पर हम कैसे अपने पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को लेकर आए, ताकि हम एक पॉजिटिव तरीके से चीजों को सोचें, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। प्लस हम वर्कबुक के ऊपर काम करेंगे, वर्कबुक इन द सेंस प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंबल्स की प्रैक्टिस तो एक है ही पार्ट हमारा, लेकिन सिंबल्स के अलावा जो भी हमारे, हम अफर्मेशंस के साथ कैसे काम करना है, ये सब चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमने कैसे लिखना है, कैसे उनके ऊपर काम करना है, ये सब चीजें यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि सिंबल, अब सिंबल्स को हमने क्यों प्रैक्टिस करनी होती है? सिंबल्स को हम इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम उनके साथ अपना एक कनेक्शन को बना सके। हर एक सिंबल की अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक सिंबल का अपना एक एनर्जी होती है। और जैसे कि हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म के अंदर, या किसी भी धर्म के अंदर आप ले लीजिए, बहुत सारे उनके अपने मंत्रास होते हैं अलग अलग तरीके के। तो जो सिंबल्स होते हैं वो एक यूनिवर्सल सिंबल होते हैं, इसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको कर सकता है। और इनके अंदर जो मंत्रास होते हैं, वो ऑटोमेटिकली, जब इनको हम बहुत मेडिटेशन के माध्यम से, जितने भी मास्टर्स हैं उन्होंने बहुत इसके ऊपर मेडिटेशन करा, इनके इनको 40 40 दिन तक के लिए, और इससे भी ज्यादा समय तक इसके ऊपर जब उन्होंने काम करा, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रह्मानिक ऊर्जाएं होती हैं, वो इनके अंदर पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी होती हैं। तो ये सिंबल्स हमारे को कहते हैं कि वो सभी मंत्रास का एक
सभी तरह के मंत्रास का आपको एक छोटा सा एक रूप होता है जिसको हम सीखते हैं, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके साथ हम हमारे कनेक्शन को बनाते हैं। जिनको हम सीखते हैं और हम हमारे जीवन के ऊपर उसका काम करते हैं। चलिए, अब हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिसके कारण हम मनी को अपने जिंदगी में एक लेवल पे लाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको उस लेवल पे नहीं जाना ला नहीं पाते। इसके 4 पॉइंट्स को मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला होता है, हमें अपने अगर हमें उसको ब्रेक करना है तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं कौन से। हमें पता ही नहीं ना हमारे क्या है। कुछ हमारे को पास्ट लाइफ से मिले होंगे, कुछ हमारे को अभी जब हम बचपन से अपने पेरेंट्स से बात सुन रहे होंगे, आसपास के माहौल को देखते हुए वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर आ गई होंगी। हमें अभी मालूम ही नहीं है कि वो क्या है। अब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमारे नेगेटिव बिलीव्स क्या है। और जब हमें हमारे नेगेटिव बिलीव्स मालूम चल जाएंगे तब हमें क्या करना है, हमने उसको रिलीज कर देना है, उसको खत्म कर देना है, उसको छोड़ देना है। और जब हमने उसको रिलीज कर दिया तो उसकी जगह पे हमको क्या लेके आना है, उसकी जगह पे हमें पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को प्रोग्राम करना है। और जब हम उस पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम करते हैं फिर हमने उसको उस हिसाब से सोचना है कि हम वो जीवन को जी रहे हैं। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं और जब हम उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो हमें सच में हम उन चीजों का अनुभव करना शुरू हो जाते हैं कि ये चीजें हमारे आसपास हैं और हम उन चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसी तरीके यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि चीजों को आप किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो एक मूवी थी ना कि जब भी हम कोई काम शिद्दत से करने जा रहे होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ जाता है। तो एग्जैक्टली जब हम कोई भी काम को शिद्दत से करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ जाता है। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब हमारे साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभी यहीं पे मैं आपको करवाऊंगी क्लास के अंदर, आप देखिए उससे आपको कितना फर्क लगेगा अपने जीवन में। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, इसके अलावा हम सीखेंगे मनी के स्पेल्स। मनी स्पेल्स, स्पेल्स यानी कि बहुत सारे जैसे टोटके होते हैं कि किस तरीके से आप ऐसे काम करें कि आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे हमने बचपन से सीखे हैं जीवन के अंदर। और बहुत सारे हमारे टोटके होते हैं, स्पेल्स होते हैं, उनको हम सीखेंगे। प्लस आपने मनी बॉक्स को कैसे बनाना है, प्लस आपने मनी ऑयल को कैसे बनाना है। मनी ऑयल बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जिनको हम इकट्ठा करके ऑयल बनाते हैं जिसको हम हमारे चक्रास के ऊपर लगाते हैं। रेडीमेड भी आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पर्सनल सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से बनाना है। एबेंडेंस चेक, जो कि आपको मालूम होगा आजकल बहुत इसका यूट्यूब पे, आप कहीं भी इसको देखेंगे आपको आपको पता चले, लेकिन उसको आपने कैसे हीलिंग्स देनी है ये सब चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, अभी चलिए हम लोग छोटा सा एक मेडिटेशन अपना करते हैं इसके बारे में, जो भी हमारे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम जो हमने अपने दिमाग के अंदर बना लिए हैं, एक छोटी सोच या फिर आप उसको कह सकते हैं कि एक नेगेटिव सोच, उसको पहले हम जानेंगे कि वो क्या है। हमारे हर किसी के जीवन में वो क्या है जिसके कारण हम उन चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो वो कुछ भी नहीं होते, फिर अचानक से जिंदगी में इतना कुछ हो जाता है कि वो एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, उनका बचपन बहुत अच्छा बीतता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके जीवन में नेगेटिविटी आती जाती है और जिंदगी से सुख समृद्धि निकल जाती है। और जब और फिर वो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता, वो क्या करें जी। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें हमारा दिमाग होता है, हमारा माइंड होता है। कई लड़कियां बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होती हैं और उनके और बहुत अच्छे अमीर घरों की भी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, फिर भी उनको एक अच्छे जीवन साथी मिल जाता है, एक अच्छा रिच लड़का मिल जाता है, हैंडसम लड़का मिल जाता है। इसी तरीके से लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको एक अच्छे घरों की लड़कियां मिल जाती हैं, खूबसूरत लड़की मिल जाती है, बहुत पैसे वाली लड़की मिल जाती है, जबकि वो उस चीज को डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन तब भी उनको इस तरीके से हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो वो कहीं ना, हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं,
ये तो भाग्य होता है, एग्जैक्टली ये भाग्य होता है, जोड़ियां आसमान में बनती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। लेकिन हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी ऐसे क्यों बनते हैं? वो हमारी सोच से ही तो हम उस चीज पर जाकर हमारी इस बर्थ में हम जैसा सोचते जाते हैं, जैसे विचार करते जाते हैं, और उन्हीं चीजों को लेकर जब हम इस संसार से चले जाते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी वही चीजें हमारे को मिलती हैं। ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपको बात करी कि हमारा रूट चक्र, हमारा रोटी कपड़ा और मकान का जो मेन जगह है वो हमारी यही है। अगर हमारा रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, हमारा रूट चक्र बैलेंस हो जाता है, एक्टिवेट भी बहुत जरूरी है लेकिन उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर एक्टिवेट भी ज्यादा नुकसानदायक है और डल अगर वो बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो उसको बैलेंस, जब हमारा रूट चक्र को जब हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, जब हमारे जीवन में हम रोटी कपड़ा और मकान हम अर्जित कर पाते हैं अपनी जिंदगी में, और जब हम इससे ऊपर उठते हैं तब हम उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, नहीं तो हम उसी लेवल पे ही घूमते चले जाते हैं। और अगर उसी लेवल पे घूमते जाते हमारी मृत्यु हो जाती है तो अगला जन्म भी हमें उसी तरीके का मिलता है, वही दुख वही तकलीफ वही सुख। हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी दुख तकलीफ हमने इस जन्म में देखी या हमने देखी है तो हमारे बच्चों के जीवन में वो तकलीफें ना आए। ये तो खैर यहाँ तक तो बहुत कम लोग ही सोचते हैं कि आगे की लाइफ क्या होगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो यही होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या चलो हमारा आज का जीवन तो अच्छा हो जाए, कल का किसने सोचा है। दैट इज अनदर पॉइंट, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, एक कोई नॉर्मल बात है। लेकिन हर व्यक्ति ये जरूर सोचता है कि अगर मेरे जीवन में मैंने कष्ट सहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे आने वाली जनरेशन के जीवन में ये कष्ट ना आए, मेरे बच्चे इन दुखों को ना देखें। हर व्यक्ति ये जरूर सोचता है, और आप जान के आपको आई डोंट नो आप क्या रिएक्शन होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार ये चीजें हमें पितरों से भी मिलती, हमारे पितरों से ही ये चीजें चली आ रही होती है परिवार के अंदर। ठीक है? तो वहां पर भी हमें उन लोगों से, उन सभी चीजों से अपनी कॉर्ड्स को कट करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तभी हम आने वाली जनरेशंस को वो एक अच्छी सौगात दे पाते हैं। ठीक है? अब जैसे मैंने बोला कि पीछे से कई लोगों की फैमिली बड़ी रिच होती है, बड़े अमीर होते हैं वो लोग, धीरे धीरे करके जो उनकी आगे की जनरेशन होती है वो उतना नहीं कर पाती है। या जैसे कई लोगों की कहावत होती है कि एक पीढ़ी कमाती है एक पीढ़ी गंवाती है, तो मतलब ये भी आपका एक बिलीफ सिस्टम हो गया ना कि एक पीढ़ी कमा रही है और एक पीढ़ी गंवा रही है। एक ये बिलीफ सिस्टम हो गया आपका। एक ये हुआ कि एक पीढ़ी ने मतलब अच्छा कमा रही है लेकिन जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है वो डाउनफॉल में आती जाती है, आती जाती है। फिर आप लोग पंडितों के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, कोई पितृ, वो बोलते हैं आपके पितृ नाराज है इसलिए आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। अब पितर आपके क्यों नाराज हैं? तो कहीं ना कहीं आपकी कॉर्ड उनके साथ जुड़ी हुई है, आपको वो कॉर्ड्स को भी कट करना है, तो वो भी हम सीखेंगे। हालांकि मैं कॉर्ड कटिंग हर क्लास में सिखाती हूँ, क्योंकि कॉर्ड कटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है? तो ये सब चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। अब हम छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है? सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांसें लें, टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपने एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस पे लेकर आए, अपना पूरा ध्यान अपने बचपन में लेके जाएं, जब आप बहुत छोटे थे, अपने पेरेंट्स से सुनते सुना होगा आपने कोई नेगेटिव शब्द पैसे को लेकर, या किसी से भी सुना होगा। आप वो सुनने की कोशिश करें, वो जानने की कोशिश करें
वो बातों को समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा कौन सा नेगेटिव थॉट है जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा। और जरूरी नहीं कि वो आपके चाइल्डहुड में ही हो सकता है कि आपने आज से 2 साल पहले ऐसा सुना, 4 साल पहले ऐसा सुना, या 5 साल पहले आपके जीवन में एक नेगेटिव थॉट बन गया। और क्या और है कटिंग की अपने बचपन में जाएं और देखें कौन सा नेगेटिव थॉट है। अब आप उस थॉट को रिलीज करें। कैसे रिलीज करेंगे? एक ब्रह्मांड से सफेद ऊर्जा को अपनी तरफ आता हुआ देखें। और उस ऊर्जा को उस थॉट के ऊपर लेकर जाएं और देखें कि वो एक सफेद ऊर्जा उस थॉट पर आ रही है और वो थॉट वहां से रिलीज होता जा रहा है। वो थॉट पूरी तरीके से रिलीज होता जा रहा है और जैसे जैसे वो थॉट रिलीज हो रहा है आप देख रहे हैं कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा में खत्म होता जा रहा है और एक व्हाइट लाइट को वहां पर फील करें। उस थॉट जो वहां पर वो थॉट आया था उसको आपने व्हाइट लाइट से खत्म कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब उस नेगेटिव अफर्मेशन की जगह पर आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन डालिए। जैसा कि आपने सुना कि आपके पेरेंट्स ने बोला कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, अब आपने उस नेगेटिव थॉट को छोड़ दिया, उसको रिलीज कर दिया उस वाइट लाइट में। अब आपने वहां पर एक पॉजिटिव थॉट को प्रोग्राम कर दिया कि पैसा बहुत आसानी से कमाया जाता है, बहुत ही आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। आप आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो, आपके लिए बहुत आसान है पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पैसे को कमाना। आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, आपके पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास इतना पैसा है कि आप उस पैसे से अपनी और दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे मदद लेने आता है तो आप उसको वो मदद दे पा रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर पा रहे हैं, आप पैसे को बहुत
आपके पास भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है कि आप उस पैसे को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप सभी के अपने अपने नेगेटिव बिलीव्स होंगे, आप उन नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव्स में कन्वर्ट करिए उस व्हाइट लाइट के अंदर। अब जो भी थॉट आपने वहां लिखा है कि आप पैसे को बहुत आसानी से कमा सकते हैं, पैसा बहुत आसानी से आपके जीवन में आ रहा है, आप उस पैसे से बहुत अबेंडेंस है आपके आसपास, आप लोगों की बहुत मदद कर पा रहे हैं, अब आप उन सभी अफर्मेशन को जिए कि किस तरीके से जब आपके पास वो सभी पैसा होगा तो आप कैसे अपना जीवन जी पाएंगे। आने वाले 2 सालों के बारे में सोचें कि आने वाले 2 सालों में आप अपने जीवन को किस मुकाम पर लेके जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोगों की आप हेल्प कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आप जा रहे हैं, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जो अभी कुछ भी नहीं था लेकिन आज उसके पास सब कुछ है, ऐसा क्या जादू हो गया उसके जीवन में। आप उन सभी चीजों को हासिल कर पा रहे हैं, ऐसे विजुलाइज करें, उन चीजों को महसूस करें और अपनी सभी सेंसेस को उसके अंदर इन्वॉल्व करें। आप देखें, अगर आपको देख रहे हैं, आप उनको स्मेल करें, जैसे नोटों की जो खुशबू होती है उस खुशबू को महसूस करें। टेस्ट, अच्छे खाने का टेस्ट, अच्छे होटल्स में जाकर अच्छे खाने को टेस्ट कैसे होता है वो टेस्ट करें, फील करें, उस पैसे को फील करें, अच्छे कपड़ों के माध्यम से, अच्छी ज्वेलरी के माध्यम से, एक रॉयल लाइफ के माध्यम से, एक बड़ी गाड़ी के अंदर बैठकर उस गाड़ी के माध्यम से फील करें उस एनर्जी को, उस पैसों की, उस एबेंडेंस की, उस एनर्जी को महसूस करें। एक अच्छे आलीशान मकान में, एक अच्छे घर में, अगर आपका छोटा मकान है, अगर आपका 1 BHK है तो आप 2 BHK में जा रहे हैं, 2 BHK है तो 4 BHK में जा रहे हैं, ऐसा महसूस करें, फील करें। उससे भी ज्यादा अगर आप चाहें तो उससे ज्यादा भी महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जो आप अपने इंटेंशंस डालेंगे।
आप अपने फ्यूचर को खुद से डिजाइन करिए, फील करें उन सभी एनर्जीज को। हर प्रकार के भौतिक सुखों को महसूस करें कि आने वाले 2 सालों में आपके जीवन में हर प्रकार का भौतिक सुख है आपके पास। आप अपने ईश्वर गुरु जिसको आप मानते हैं, अपने एक देवता को फिर से आह्वान करें उनका, उनको बुलाएं और बोले, हे ईश्वर, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही। अगर आप लोग रेकी जानते हैं ऑलरेडी, तो बोले, हे रेकी शक्ति, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को रब करें, धीरे धीरे अपनी आंखों पे लगाएं, आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब आप अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मैडम, हाँ जी, बोलिए। रेकी तो बहुत रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी थेरेपी है, वो तो कई सालों से मैं सुन के आ रहा हूँ, सिंस माय बर्थ। लेकिन ये जो उसके ऑफशूट्स निकले हैं, मनी रेकी, करुणा रेकी, दुर्गा रेकी, हेल्थ रेकी, ये सब, ये कितने मतलब वर्क करते हैं ये? आप क्योंकि रेकी एक्सपर्ट है, आपसे ज्यादा अच्छा कोई बोल नहीं पाएगा। देखिए, सारे वर्क करते हैं, जैसे कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, है ना। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी देवी देवताओं को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सब अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और उनको वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं, है ना। कई बार नहीं यस मिलता, कहीं ना वो उनके अपने कार्मिक होते हैं जिसके कारण उनको नहीं भी मिल पाता, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के या किसी भी चीज के माध्यम से जाते, तो हम वो सारे उपाय करते हैं। आप तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, हर एस्ट्रोलॉजर का अपना एक अलग तरीका होता है आपको यस समझाने यस का, यस बताने यस का, यस और उनके उपाय अलग अलग होते हैं। हर तरह की, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, लाल किताब हो गया, केपी हो गया, बहुत सारी ये फील्ड्स होती हैं। इसी तरीके से हमारी एनर्जी फील्ड्स भी बहुत सारी होती हैं, है ना। तो हर चीज में वो आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं, और आप जो चीज आपको क्लिक कर जाए, आप उसके ऊपर काम करते हैं और आपको उसको रिजल्ट मिलते भी हैं। किसी को किसी तरीके से मिलता है, तो किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। तो उसी तरीके से ये सारी हमारी कोर्सेज होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारा जो मेन हमारा ग्रैंड मास्टरशिप होती है, जो हम लेवल 5 तक हम लोग करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे मास्टर्स तैयार होते हैं, वो अपनी खुद की रेखी निकालते हैं, वो खुद मेडिटेशन करते हैं। लेवल 5 में जो हम सीखते हैं, अपने खुद के मेडिटेशन, वो खुद के सिम्बल्स बनाने, मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं ब्रह्मांड से, उनसे पूछते हैं, तो हमारे को अपने सिंबल्स मिलते हैं, फिर हम उन सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे जिसको हम बोलते हैं सिद्धि, हमने सिद्धि कर ली, सिद्धिकरण, हमने उसको 40 दिन तक उसको करा, कोई उसको 3 महीने तक करता है, कोई उसको 1 साल तक उसके ऊपर काम करता है, उसको मतलब उसके साथ अपनी एक कनेक्शन को बनाना। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी को समय लगता है, तो वो धीरे धीरे कर कर इस तरीके से वो यूज करते हैं। तो जैसे आजकल मैंने बड़ा नाम सुना है दुर्गा रेकी का, तो जो दुर्गा रेकी जिन्होंने अभी अभी उनको वो अलाउ नहीं है कि आप उसको सिखा सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक अलाउ नहीं करा है, ठीक है। तो दुर्गा रेकी हो गया, अब इसी तरीके से मनी रेकी हो गया, इसी तरीके से बहुत सारी तरह की रेकी मार्केट के अंदर आ गई है। सबने अपने अपने खुद के जो बनाते बनाते वो ये सब चीजें सीखी।
बाकी आप अपने खुद के भी, जैसे अगर आपने ग्रैंड मास्टरशिप करी हुई है या जिन लोगों ने करा हुआ है, वो चाहें तो खुद भी उस चीज को बैठकर उसके लिए मेडिटेशंस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो उनको मेडिटेशन के माध्यम से जो सिंबल्स उनको मिलते हैं, फिर वो उन सिंबल्स को उनका सिद्धिकरण करेंगे, उनको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे 40 डेज या 3 महीने या साल, हो सकता है 3 साल भी लग जाए, डिपेंड करता है हर व्यक्ति की अपनी अपनी एनर्जी के ऊपर। किसी का जल्दी हो जाता है मैनिफेस्ट, किसी को थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर उसको आप यूज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, फिर आपको जब उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे आपका वो भी एक रेकी बन जाती है। उसको भी आप आगे चल के 2 साल बाद आपको कुछ और नाम सुनने को मिल जाएगा, 4 साल बाद आपको कुछ और नाम सुनने को मिल जाएंगे। तो ये एक तरीके की स्टडी है जिसका कोई अंत नहीं होता। कहते ना, समुन्दर के अंदर आप जितना गहराई में जाते हैं तो बस आप गहराई में चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं। तो इनका कोई अंत नहीं है। नए नए स्टूडेंट्स आते जाएंगे, नया नया वो कुछ ना कुछ होता रहेगा हर फील्ड में, नॉट ओनली दिस, हर फील्ड के अंदर, मेडिकल यस फील्ड के यस अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके की मेडिकल फील्ड के अंदर भी हमेशा कुछ ना कुछ न्यू न्यू चीजें आती रहती हैं, है ना। अब जैसे कोरोना का आया, कोरोना का इंजेक्शन बने, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और आ गया, फिर किसी और चीज के ऊपर रिसर्च हो रही है, फिर किसी और चीज के, इसी तरीके से हर चीज में, मतलब हर व्यक्ति अपने काम के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है ना। तो ये इस तरीके यस से है। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। मैम, मेरा एक क्वेश्चन हाँ पूछिए। है मैम। मनी रेकी में किसी का हमने किया, अगर ग्रैंड मास्टर बनने के बाद, मैम कुछ अनुभव के बाद, तो तुरंत कॉर्ड कटिंग होता है इसका कोई कॉर्ड ऐसा कटिंग अलग तो सा? हम करनी ही होती है, कॉर्ड कटिंग तो हमें हर चीज में ही करनी होती है। हाँ, तुरंत होती है या क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं किसी का मनी के लिए मैंने देखी किया था। अगले दिन मेरा कुछ ऐसा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कुछ हमारा लॉस हुआ, तो मैं सब प्रिकॉशंस ले लिया, मैं सब कॉर्ड कटिंग सब प्रिकॉशंस दिया जलाकर नहीं किया। तो मनी रेकिंग में ऐसा कुछ सिखाते हैं आप इस चीज के बारे में भी, कॉर्ड कटिंग कैसा करना, इसका विधि विधान? कॉर्ड कटिंग तो मैं सिखाती ही हूँ, कॉर्ड कटिंग तो मैं वैसे हर क्लास में ही सिखाती हूँ, मेरे हर क्लास में आपको कॉर्ड कटिंग मिलेगा, ठीक है। हाँ मैम, लेकिन मनी रेकी में ऐसा कुछ अलग सा भी होती है या विधि विधान या ऐसा कुछ नहीं है? नॉर्मल अब मैं वही कॉर्ड कटिंग मुझे पता है, मनी रेकी के आपको हिसाब से। मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि देखिए देखिए, हीलिंग तो आपको हर किसी को, मतलब हीलिंग एक ऐसी मोडालिटी है जिसको हम नहीं करते हैं, वो ब्रह्मांड करता है, ठीक है ना। अगर आपकी पहले तो इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको परमात्मा ने चुना है उस कार्य को करने के लिए, और आप उस परमात्मा के निमित्त बन के वो कार्य करें, तो उसका कभी भी कार्मिक आपके ऊपर नहीं आए। जब एक डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो वो उसके ऑरा से बाहर रह के उसका इलाज करता है, उसको ट्रीटमेंट देता है। लेकिन जब एक हीलर किसी का इलाज करता है, मतलब कि एक जो भी मास्टर्स होते हैं इस तरीके के, स्पिरिचुअल हीलर जिसको हम बोलते हैं, जब वो किसी को इलाज करता है तो वो उसके ऑरा में जाकर उसका इलाज करता है। और जब आप किसी के ऑरा में जाकर उसके साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कार्मिक आपके साथ जुड़ता है। लेकिन उसका कार्मिक आपके साथ तब जुड़ता है, या तो आपकी एनर्जी लो है तो उसका कार्मिक आपके साथ जुड़ेगा, या फिर आपकी सोच ये है कि ये काम आप कर रहे हैं तो आपका कार्य। अगर ये काम आप उस परमात्मा को सरेंडर करके करोगे, उसका निमित्त मात्र अपने आप को समझोगे कि मैं उसका सिर्फ एक निमित्त हूँ, मेरे को परमात्मा ने, मैंने ऐसे कोई कर्मा हमारे पीछे के जुड़े होंगे जो प्रभु ने मुझे चुना है इस सब काम को करने के लिए। अगर आज मैं आपको सिखा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा कोई कर्मा जुड़ा है, तभी मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं कोई कर्मा ऐसा जुड़ा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो अगर मैं उस चीज को उस तरीके से सोच के आगे बढ़ती हूँ, उस तरीके से सोचकर आगे चलती हूँ, तो फिर मुझे उसका नेगेटिव, मेरी लाइफ में उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। उस सबसे पहले हमको अपने चक्रास के ऊपर काम करना है, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आपने तो पूरा ग्रैंड मास्टर भी किया हुआ है, अपने सभी चक्रास के ऊपर काम करना है।
उसके बाद जब आप खुद अपने आप को एनर्जाइज महसूस करते हैं, जब आपकी एनर्जी लेवल हाई होता है, तो आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी नेगेटिव नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन लेते हैं, प्रोटेक्शन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन सिंबल्स डालकर ही हम किसी को भी हीलिंग देते हैं। लेकिन मनी रेकी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मनी रेकी में आप बहुत ही सिंपल तरीके से, ये रेकी होती है क्योंकि मनी रेकी, आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं सीखा होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट मनी रेकी करेंगे, अपने लिए करेंगे। जब इंसान अपने लिए सीखता है तो वो एक टाइम के बाद फिर वो दूसरों को भी सिखाता है। तो यहाँ पर इतना सारा वो सब चीजें नहीं होंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि आपने कैसे उस एनर्जी के साथ, एक वाइट लाइट के साथ काम करना है। लेकिन अगर आप ग्रैंड मास्टर हैं, आप में रेकी सीखा हुआ है, तो आप उसको और भी बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको उसके 1-to-1 स्टेप्स मालूम है, ठीक है। तो मनी रेकी इज अ वेरी वेरी सिंपल वे जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाएगा। प्लस जब हम किसी को भी हीलिंग देते हैं, सपोज मैंने किसी भी एक व्यक्ति को हीलिंग दिया, हो सकता है कि उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। सबसे पहले तो उसको काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसके बिलीफ सिस्टम को वो करने के लिए, बनाने के लिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने किसी को भी हीलिंग, आप मतलब किसी को भी जैसे हीलिंग दे रहे हैं, जब आप किसी को भी हीलिंग आप किसी को भी हीलिंग दे रहे हैं, तो आपने उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं होना, जो कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आपने कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना, क्योंकि अगर आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो उसके कर्मा आपके ऊपर आ जाएंगे, है ना। एक डॉक्टर कभी भी अपने बच्चे का खुद से ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ इमोशनली अटैच्ड होता है। तो आप जितना डिटैच्ड होकर काम करेंगे, उतना ही आप उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब हम किसी को भी अटूनमेंट देते हैं, तो हम उसकी मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल हर चीज को बैलेंस करते हैं। तो जब आप किसी को भी यहाँ पर हीलिंग देंगे, तो आप उसके मेंटल, इमोशन और उसके स्पिरिचुअल हर चीज को बैलेंस करके ही आप उसको हीलिंग दें, ठीक है? ठीक है प्रशांति जी। हाँ जी मैम, तो इसका मतलब मेरे बारे में नहीं, इन जनरल मनी रेकी ग्रैंड मास्टर या सीखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए, साइकोलॉजिकली या क्या कुछ। आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई, जरा दोबारा बोलिए। मनी रेकी सीखने के लिए कोई एलिजिबिलिटी होना चाहिए नॉर्मली हम आज के। नॉर्मल सीख सकते हैं, नॉर्मल सीख सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं, क्योंकि यू इसमें हमारे सिंबल्स अलग होंगे। जैसे कि हमारा डॉलर सिंबल होता है, इसमें जैसे हम उसमें चौकोर सिंबल को यूज करते हैं, इसमें हमारा डॉलर सिंबल होता है, पावर सिंबल होता है, उसके अलावा हमारे 8 और सिंबल्स, हम इसके अंदर टोटल 8 हमारे सिंबल्स होते हैं। बाकी हम अष्टलक्ष्मी जो हम सीखेंगे, उसके अपना एक अलग सिंबल है, वो सीखेंगे, उसका अटूनमेंट लेंगे, और जो हमारे 8 सिंबल्स हैं, क्योंकि एक अलग तरीके से उसमें पूरा प्रोसेस है। मैम आपका लाइव आपका अनुभव बता सकते हैं, एक द एग्जाम्पल्स जस्ट मेरे टू तो बहुत मोटिवेट। सारे अनुभव है, मैं अगर अपने अनुभव बताऊंगी तो मेरे तो बहुत सारे अनुभव है। अब मैं ऐसे कैसे बताऊं आपको, मेरे बहुत सारे वीडियोस होंगे, आप उसको सर्च करेंगे तो आपको उसमें मिलेगी। मेरे तो अपने बहुत सारे अनुभव है, मैंने तो पूरा 0 पे आकर, -0 पे तो लोग आते ही हैं, मैं तो माइनस में आ गई थी। माइनस में आने के बाद मैंने अपने आप को फिर उस लेवल पे लेकर आना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव है मेरी जिंदगी का, ठीक है ना। मनी लोग, रेकी करने के बाद हाँ लोग तो 0 पे आते हैं ना, मैं माइनस में थी। और मैं अपने, क्या आपको बताऊँ, अपनी पर्सनल लाइफ, और अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करती हूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं तो बिल्कुल माइनस पे थी, और माइनस से 0 पे आई, और फिर 0 से थोड़ा सा ऊपर आई। अभी तो और बहुत बहुत ऊपर जाना है, लेकिन वो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं धीरे धीरे। हाँ आपके वो मैम, होते हैं और हाँ आप, मैम, नहीं मैम आपका पर्सनल के बारे में नहीं, जस्ट कोई ऐसा एग्जांपल हाँ जस्ट टू स्टूडेंट्स भी क्या, मोटिवेट पीपल टू ज्वाइन। स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं आपके, आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स उसमें मिलेंगे जब अच्छा आप मैम, सर्च करेंगे मैम तो। ये प्रॉपर्टी सेल के लिए ऋण कर्जा, कुछ लोग बहुत सारे कर्जा में स्टक होते हैं, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं मनी रेकी। हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए भी मनी रेकी को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि देखो, अगर वो आप जब रेकी करते हैं किसी भी, कोई भी रेकी या किसी भी एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो वो एनर्जी ना कहीं आपको बताती है
कि आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपके आपको इंट्यूशन आती है, और अगर आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलेंगे ना तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कई बार वो एनर्जी आपको बोलती है कि आपको नहीं करना ये काम, लेकिन तब भी हम वो काम कर देते हैं, तो फिर हमें उसमें रिजल्ट या तो मिलता नहीं है या फिर हमारी लाइफ में उस चीज को लेकर डिस्टरबेंस आती है। तो हमें इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है एज अ हीलर। आपका आपका ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि आपको अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज्यादा काम, ठीक है ना? मैम, हाँ बताइए। थैंक ओके मैम, थैंक यू मैम। यू। बताइए कौन बोला? मैं दिनेश। हाँ दिनेश जी बताइए। मैम अभी आपने बोला अपने इंट्यूशन पे काम करना है, ये मतलब ये कब कौन से लेवल पे जाके होगा कि मुझे ये करना चाहिए, अंदर से आवाज आएगी, कब होगा ये पूछ। जब आप मेडिटेशंस करेंगे तो ये अपने आप होगा। देखिए इंट्यूशन होती है ना, हमारी हर व्यक्ति के पास इंट्यूशन होती है। जब बच्चा पैदा होता है ना तब से उसके साथ इंट्यूशन जुड़ी होती है। लेकिन क्या होता है ना कि जब मैंने बोला कि हमारे बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जिससे से हम बड़े होते जाते हैं, हमें आसपास के लोगों, अरे ऐसा नहीं होता है, तू पागल है, तू ऐसे ही सोचता रहता है, ऐसे ऐसे बातें हमारे साथ होती हैं, जिसके कारण हम धीरे धीरे अपने इंट्यूशन को पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। और जब हम उसके ऊपर काम करना छोड़ देते हैं तो फिर वो आनी भी बंद हो जाती है, ठीक है? फिर जब हम धीरे धीरे एक एक चीज को ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने जीवन में, जब हम एक अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर जाते हैं, हम एक एक चीज पे जब फोकस होने लगते हैं तो हमें फिर से वो चीजें याद आ, सपोज करो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो आपको फोन करके बोलता है ऐसे मत करो, ये मत करो, ये सही नहीं है। आपने बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर उस व्यक्ति ने दूसरे दिन आपको फिर फोन करा, फिर उस व्यक्ति ने आपको एक दिन में 2 फोन मिलाए, 3 फोन मिलाए, 4 फोन मिलाए, आपको लगने लगा अरे ये तो पूरे तरीके से मुझ पर होल्ड करने लग गया है यार। आप उसे जी इरिटेट होने लग गए, इरिटेट हाँ जी होने लग गए ना, आपने उसका जी फोन जी उठाना बंद कर दिया या उसे बात करना बंद कर दिया, या फिर 2 दिन में एक बार उसका फोन उठाते हो या एक हफ्ते में एक बार, और धीरे धीरे करके आपने बंद ही कर दिया हाँ जी हाँ उसको। जी हाँ तो इसी जी तरीके से इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन हमें बार बार, हम जितना उसकी तरफ ध्यान देंगे वो बार बार हमें आएगी, बार बार हम लगा भी कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ, छोड़ो ऐसा नहीं हो सकता, लिव इट लिव इट लिव इट, धीरे हाँ धीरे जी फिर वो आनी ही बंद हो जाती है। फिर जी अचानक बहुत दिनों के बाद उस वो दोस्त आपको मिल गया कहीं पे, अरे यार क्या कर रहे हो, फिर थोड़े अच्छे से बातचीत करी, फिर उसने, फिर वो आपको क्या करेगा, वो आपको रोज फोन नहीं करेगा, कभी कभी फोन करेगा, हाँ जी हाँ जी है ना? क्योंकि वो हाँ सोचेगा जी कहीं ये फिर से ना मुझसे नाराज हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो वही हमारे इंट्यूशन का काम होता है, आप जितना उसके साथ अटैच्ड करोगे वो आपके साथ अटैच्ड होगी, और जितना आप उसके साथ डिटैचमेंट करोगे तो वो भी आपके साथ डिटैच्ड हो जाएगी। और आपने बोला अभी कि हम जो ठोटके करते हैं उनसे कुछ, जैसे मनी रेकी में पैसा आता है। तो पैसा आता तभी तो काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना काम कर रहे हैं, ऐसा तो आएगा ही आएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। जब हम हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को खत्म करेंगे, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को लेकर आएंगे, तो पैसा आएगा ही आएगा। ब्रह्मांड में तो वो सब कुछ है ना जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो सब कुछ है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के पास सब कुछ है। कहते हैं ना कि हम जो भी शब्द बोलते हैं वो हमारे ब्रह्मांड में घूमता है, वो हाँ घूमता जी है हाँ जी और हाँ वो जी हाँ जी थाउजेंड्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आता है, ये यस एक सच यस है, यस एक सच है। अच्छा अगर आप उसी चीज को, अगर आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि पैसा हाथ की मैल है, तो वो तो हाथ की मैल है ही, वो तो फिर धुली गई। हाँ जी हाँ जी लेकिन अगर आपने सोचा कि मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे अंदर वो पावर है कि मैं पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ, तो हाँ पैसा जी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे आप तभी इसको समझ पाओगे। आप मेरे मुंह से समझो, मैं आपको अपने बताऊं कि मेरे पास यही एक्सपीरियंस है, या आप कोई टेस्टिमोनियल को आप देखोगे, वो उसके अपना बिलीफ सिस्टम है तभी वो उस चीज को अचीव कर पाया है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम जब उस लेवल पर होगा तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। अपना एक एक्सपीरियंस तो बताइए ना। मैं तो हर क्लास में अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ, आप मैं तो हर नहीं क्लास में नहीं बताती थोड़ा दौड़ जा रही होते, जल्दी भैड़ी बात कर दी कुत्ती ने। मैम मेरा हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, सत्य बोल रहा कौन बोल रहे हैं?
सत्य मैम, सत्य बोलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैम। अगर मैं किसको हील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है कि गाइडलाइंस है कि मैं उसको करना है नहीं करना है, कुछ ऐसा कुछ है, मतलब जो भी जितना भी है हमारा इसमें रेकी में है, जैसे कि मानिए कुछ ना कुछ है, तो उसमें कुछ कोई भी नॉर्मल हीलिंग है, कुछ गाइडलाइंस ऐसा कुछ है क्या आप किसको कर रहे हो, या फिर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, कर सकते नहीं कर सकते बोल के। देखो आप अट्यूनमेंट दे सकते हैं। मैंने जैसा हमेशा बोलती हूँ कि आपकी एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए किसी भी जी अट्यूनमेंट देने के लिए। लेकिन जब आप जी एक लर्नर हैं, जब आप सीख रहे हैं, तो जी पहले आपको सिर्फ अपने जी ऊपर काम करना है। जब आप अपने उस पर काम करके, जब आपके खुद की लाइफ में, जब आप खुद से उन चीजों को समझ पाएंगे, मतलब आपका बिलीफ जी सिस्टम उन चीजों बेहतर पर, एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ, फिर आप दूसरों को करिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और तभी आपको विश्वास भी होगा। और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम जिसको हीलिंग देते हैं ना, उसका काम हो जाता है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। ऐसे भी होता है, जी कोई उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है को तो कभी कभी खुद। कोइंसिडेंस हो जाता है। नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ कि मैं आप देख रहा हूँ कि किसका कुछ हो जाएगा, फीलिंग करने से अच्छा हो जाएगा, हेल्थ इश्यू है या फीवर कुछ भी है, तो कोई इसका गाइडलाइंस है क्या, इस कंडीशन इसमें कर सकते हैं या फिर नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ कोई कोई फील्ड में कुछ कुछ जगह में रहता है ना चीजों को लेके, कि ये आप इस जगह में आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए पूछ रहा था मैं। जैसे जैसे आप अपने मेडिटेशन करते जाएंगे ना, तो जी आप आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके जी लिए क्योंकि आपको मेडिटेशन, हम उस लेवल में नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछ के बहुत मतलब डाउट, छोटी छोटी डाउट क्लियर करने के लिए रह जाते, तो सॉरी मैम। तो अपना जब करेंगे तो बेहतरीन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा। हाँ कोई बात नहीं। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। और सबसे पहले जी अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे काम, जैसे जी कि मोबाइल फोन, कि आपको मोबाइल फोन चाहिए, आप एक जी मोबाइल फोन को मैनिफेस्ट करिए, लैपटॉप को मैनिफेस्ट करिए, छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं, है ना। जी थैंक यू जी नमस्ते मैम, आई एम चंद्रिका जी फ्रॉम अहमदाबाद। और हाँ अभी बोलिए। आपने कुछ ऐसा बोला कि सिद्धिकरण और अपना चक्र एक्टिवेशन और वो 108 बार जाप करना, तो वो सब सिद्ध कैसे होगा? सिद्ध, वो सब क्या होगा, वो सब कुछ सिद्धिकरण कुछ बोला ना आपने अभी। देखो, यहाँ पे हम आपको जी अटूनमेंट देंगे। सिद्धिकरण, सिद्धिकरण नहीं, मतलब जब आप वो अपने रूट चक्र के ऊपर काम करेंगे, जब आप रूट चक्र को एक्टिवेट करेंगे, तो वही आपका एक तरीके से सिद्धि है ना। आपने लगातार रूट चक्र के ऊपर काम करना है। कैसे काम करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, अच्छा, वो तो मैं वैसे आपको चक्र सिखाऊंगी। एक्टिवेशन बैलेंसिंग वो सब उसी तरह। वो तो सब हाँ उसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ भौतिक सुखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हमारे रूट चक्र के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। और सिंबल, जो सिंबल आप सिंबल डालेंगे सारे, हाँ सिंबल्स हम आपको सिखाएंगे, सारे सिंबल सिखाऊंगी मैं। उसका हमें मेडिटेशन करना है या फिर कुछ उसका जाप करना है कि कैसे मेडिटेशन होगा? मेडिटेशन 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 ओनली। और मेडिटेशन का बेस्ट टाइम कौन सा होता है मेडिटेशन देखिए, बेस्ट टाइम तो मेडिटेशन का होता है करने सुबह मॉर्निंग में, अगर आप करेंगे जो भी हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें करें तो सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि रेकी क्या है, रेकी इज अ कॉस्मिक एनर्जी, इट इज अ व्हाइट लाइट, ये एक व्हाइट लाइट है, कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडिक ऊर्जाएं हैं, इसको आप सब किसी भी समय कर सकते हैं। आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रात को 12 बजे भी कर सकते हैं। तो 12 बजे भी अगर आप रात को कर रहे हैं तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस्ट समय पूछना चाहते हैं तो फिर वो मॉर्निंग में है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इट इज द बेस्ट टाइम। ओके मैम। और ये चक्रा का बीज मंत्र होता है कुछ, सब 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 तो सिखाएंगे आपको, सब सिखाऊंगी। मैम थोड़ी आजकल वो कुछ लोग मैम हमारा फाइनेंशियल एक हीलिंग्स बीज करके मंत्र कर रहे हो, मनी रेकी है। हीलिंग्स है। वन बाय वन करके बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। बीच में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, रेज योर हैंड करेंगे तो बताएं। अभी बताइए, आपका क्वेश्चन मैम कंप्लीट हो गया चंद्रिका जी? चलिए अब निकिता जी, छोटी से आप पूछ के पहले आप बताइए। निकिता जी आप बड़ी देर से हैंड रेज कर रहे हैं, फिर डाउन कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। हैं अभी यहाँ पर निकिता जी कि जाओ हाँ चली गई? जी मैम, मेरा एक्चुअली
हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रही। हेलो, हाँ मैं मैम, सुन मेरा रही ये दिनों हूँ। में ना मैंने एक नॉर्मल रेकी करी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो उसका थोड़े टाइम बोलिए में ना आपको मेरा मेरा क्वेश्चन। अट्यूनमेंट होने वाला है, मे बी 8 डेज। कोई बात नहीं, उस सही रेकी की बात कर रही है ना आप? हाँ, कोई बात नहीं, आप वो कर उससे उसका कोई मतलब नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने यही क्वेश्चन रखा है ना कि रेकी अटेनमेंट होने और वाला है थोड़े दिनों में, तो मनी रेकी अटेनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मैम। हाँ जी, आभा जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, जैसे भी आपने बोला कि हमें इमोशनली अटैच, बिना मतलब इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए वाइल गिविंग हीलिंग, तो लेकिन जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स को देते हैं, तो बट उनसे तो हम इमोशनली अटैच होते हैं ना, तो उन पे कर्मा नहीं चढ़ता क्या हमारा? चढ़ता है क्यों नहीं चढ़ता? चढ़ता है। तो मैंने फिर क्या आपको क्या करना? बोला? आपको पहले तो कॉर्ड कटिंग ही करेंगे ना, जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस है। अब हाँ इससे मैंने आपको क्या बोला ना कि एक डॉक्टर कभी भी अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसको दूसरे डॉक्टर की जरूरत है। उसी जी, तरीके से इमोशनली अटैचमेंट, आप जितना डिटैच होके करेंगे उतना ही आपका फायदा है उसके अंदर। अगर आप इमोशनल अटैच होंगे तो कर्मा आपके ऊपर जरूर आएगा उस चीज का। तो उसके लिए यही है कि एक तो आपको कॉर्ड कटिंग करना है, और जब आप लगातार मेडिटेशन करते जाते हैं ना, तो एक टाइम के बाद अपने आप से ही आपका डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे आपकी वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे जैसे आप उस परमात्मा के साथ जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप परिवार को छोड़ देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप चीजों को समझने लग जाते हैं, आप चीजों को बैलेंस कर पाते जी हैं, है ना? ध्यान तो वही होता है ना जो बीच बाजार में बैठ के करा जाए ध्यान, वो तो हिमालय में जाके तो हर कोई ध्यान कर सकता है। परिवार के अंदर रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर उस परमात्मा को पाना, इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है ना। तो जब हम लगातार उन एनर्जीज के साथ काम करते हैं, जब हम उन एनर्जीज को अपने जीवन में बार बार लेकर आते हैं, बार बार उनको यूज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड की जो साइकोलॉजी होती है वो वैसी हो जाती है। जब आप करेंगे ना प्रैक्टिस धीरे धीरे, तो आप इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस को मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं सिर्फ शब्दों में आपको बता सकती हूँ, लेकिन उस चीज को फील कैसे करना है, जब वो आपके जीवन में होगा तो आप उसको फील कर पाएंगे। ओके, थैंक ओके, थैंक यू। और यू। कुछ, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बताइए, मानशिवनी जी। हाँ जी बताइए, आपको पहले अपने आपको अनम्यूट करें। सॉरी, हाँ नमस्कार नमस्ते। हाँ मैम, मुझे ऐसे पूछना था कि जैसे ये ऑकुलट साइंस है, इसमें बहुत सारी अभी ब्रांचेस है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोई वॉच न्यूमरोलॉजी कर रहा है, रेकी, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारी, मतलब जब देखते हैं तो इतनी सारी फील्ड है। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं सीखना चाहती हूँ कुछ, एक तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बेस्ट? फर्स्ट स्टेप तो मनी रेकी होता है, क्योंकि हर चीज को सीखने के लिए आपको पैसे तो चाहिए ना। इसलिए मैंने कब किसी जानकार से मैं पूछ पाऊं कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर चीज के साथ कनेक्टेड होती है। अभी फेसबुक, सोशल मीडिया से क्या हो रहा है कि इतनी सारी चीजें दिखती है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कैसे करें, बेस्ट अब क्या रहेगा? देखिए, मैं तो आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले मनी रेकी करिए, क्योंकि मनी जी रेकी सीखने के एक छोटा सा कोर्स है, कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। विद इन 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में हर काम को करने के लिए पैसों की जी जरूरत होती है। तो पैसों, जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक और कोर्स भी नहीं कर सकते ना आप, मतलब कोई भी व्यक्ति, नॉट ओनली यू, हर व्यक्ति के लिए। दूसरी बात ये होती है कि जब हम एक चीज जब हम करते हैं, और जब हमें उस चीज के अंदर रिजल्ट मिलता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना?
जब हमारा कॉन्फिडेंस आता है तो हम दूसरी चीज को भी कर पाते हैं। और फिर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक अध्यात्म का नशा होता है, आप जिसमें जितना घुसते चले जाओगे बस घुसते ही चले जाओगे, घुसते ही चले जाओगे, एक सुकून मिलता है। तो वो तो फिर धीरे धीरे एक लेवल वो आ ही जाता है हर व्यक्ति का, कि वो उसको जानने की कोशिश करता है और डेप्थ में जाने की कोशिश करता है और डेप्थ में जाने की कोशिश करता है। बाकी अगर हम दूसरे शब्द दूसरी जगह पे जाते हैं तो देखिए, मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी इजी वे। मेडिटेशन वैसे तो हर के व्यक्ति के बस की नहीं होता है मेडिटेशन करना भी। मेडिटेशन में ध्यान लगाना कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी आसान है, फिर भी वो आसान है। बाकी जो आप इतने बड़े बड़े लेंथी लेंथी क्वेश्चंस पढ़ना, उनको समझना, उनके नोट्स बनाना, उनको वो करना, कैलकुलेशंस करना, उसे बहुत इजी होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो सेट हो जाती है, हमारा दिमाग जो होता है वो शांत हो जाता है। और जब हमारा दिमाग शांत होता है तभी हम जीवन में कुछ भी कर पाते हैं, कुछ भी समझ पाते हैं, है ना। तो ये तो हम, और मनी इज अ बेसिक नीड ईच एंड एवरी वन। थैंक थैंक यू। यू। चलिए, ये हमारे आपको मालूम ही है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों में से, मैं तो चाहूंगी आप सभी लोग उसको ज्वाइन करें, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे उसको कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारी। मैम इसमें कितने अटेनमेंट होंगे? इसके अंदर हमारे हर लेवल पे आपको अटूनमेंट होगा, कम से कम 4 अटूनमेंट होंगे। लेवल 1 में अलग, लेवल 2 3, हालांकि लेवल 1 में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। लेवल 1 में तो आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दी आती है, लेवल 2 में और लेवल 3 के अंदर आपको मिलते हैं। तो जितने भी हमारे 8 सिंबल्स हैं उन सबका आपको अटूनमेंट मिलेगा। प्लस जो हमारा अर्थ लग इसमें नहीं दे रखा हमने अष्ट लक्ष्मी के बारे में, तो जो हम आपको अष्ट लक्ष्मी का जो हम सिखाएंगे उसके भी अपना एक अलग सिंबल होता है, तो वो भी आपको एक अलग सिंबल मिलेगा। यानी कि टोटल 9 सिंबल्स का आपको इसमें अटूनमेंट मिलेगा, और 3 अटूनमेंट आप मान के चलिए, क्योंकि हम उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि तीन तीन कर, उसको मतलब 4 4 और 1 अष्ट लक्ष्मी का आपको अलग मिलेगा, बाकी के हम 4 4 करके आपको उसको अटूनमेंट। ओके, सब 1 महीने में हो जाएगा? हाँ, 1 महीने। टाइमिंग और कौन से दिन है? हाँ, टाइमिंग मैं बता रही हूँ आपको, इसमें थर्सडे, अच्छा ये ऊपर ये लिखा हुआ आ गया इसके ऊपर। क्लास टाइमिंग है इसका थर्सडे एंड सैटरडे 4 o'clock, 4 PM एवरी थर्सडे फर्स्ट एंड सैटरडे, हफ्ते में 2 दिन होगा ये, आपकी टोटल 8 क्लासेस होंगी, ठीक है, और शाम को 4 बजे होगा। बाकी आपको तो मालूम ही है कि हम लोग जो भी अटूनमेंट का होता है, जिसको हम वहाँ पर आपको बोल देते हैं कि आप रिकॉर्डिंग से भी उसको ले सकते हैं, और आप लोगों के तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं काफी सारे लोगों के यहाँ पर, कि अगर आप रिकॉर्डिंग से अटूनमेंट लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? ऐसा नहीं लगता, ऐसा ही लगता है कि आपको लाइव में अटूनमेंट मिल रहा है। बताइए किसके यहाँ पर? आप दिनेश जी, आपका मेरे पास मैसेज आया था, आप बताइए। हाँ मैम, मेरे को तो ना ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ जैसे ना आप मेरे को तो बहुत अच्छा ये महसूस है कि आप जैसे सामने बैठ के और मुझे मुझे ही अटूटमेंट दे रहे हैं। हाँ, है ना। और हालांकि मैंने रिकॉर्डिंग से लिया था लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ, और इतना मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। थैंक यू। यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम मतलब पहले तो लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में अटूनमेंट को हम कैसे लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने, काफी लोगों ने मेरे से ऑनलाइन ही, और आजकल तो ज्यादातर ऑनलाइन ही अटूनमेंट मिल रहा है, तो आप लोग एनर्जी को फील कर सकते हैं, है ना। श्री विट्ठल जी, आप बताइए, आपने ऑनलाइन लिए है ना अटूनमेंट्स? हाँ, मैंने लाइव अटेंडमेंट लिया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ काफी अच्छा लगा। और भी आभा जी ने लिया है, और भी बहुत सारे यहाँ पर बैठे हैं लोग जिन्होंने लाइव अटूनमेंट्स लिए हैं, प्रशांति जी ने भी लिया है, ठीक है। तो लाइव अटूनमेंट जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन उसके बाद जो हम रिकॉर्डिंग, कई बार कोई लोग जैसे लाइव में नहीं आ पाते हैं तो हम उनको रिकॉर्डिंग्स के बोलते हैं कि आप रिकॉर्डिंग से लीजिए, क्योंकि हम वहां पर उन लोगों के ना एनर्जी तो हम सेंड कर देते हैं ना यूनिवर्स में, वो एनर्जी आपको चली जाती है,
और आपको हमने उसको 1 वीक के लिए हम वहां पे उसको स्थापित करते हैं, तो वो 1 वीक तक आप उसको अटूनमेंट को ले सकते हैं। चाहे तो हम उसको और भी ज्यादा स्थापित कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, लेकिन मैं उसको 1 वीक के लिए करती हूँ। तो जब आप 1 वीक के अंदर आप वो अटूनमेंट कभी भी ले सकते हैं। अब आपके सामने दिनेश जी बैठे हैं, दिनेश जी ने अभी कल ही इनका मेरे पास मैसेज आया कि मैंने लाइव आपका रिकॉर्डिंग से अटूनमेंट लिया, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो यहाँ पे आपके सामने लाइव बैठे हैं और अपनी बात बता रहे हैं आपको। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई ऐसा नहीं लग रहा कि एनर्जी फील नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। आपको तब भी उतनी ही एनर्जी फील होगी जितना कि आप मेरे साथ जूम्स के साथ कनेक्ट होकर लाइव अटूनमेंट लेंगे, या फिर आप पर्सनली कनेक्ट होकर अटूनमेंट लेंगे, आपको हर उसमें उतनी ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब आप लेंगे वो आप तभी महसूस कर पाएंगे। ठीक है ना दिनेश जी, आई एम राइट? दिनेश जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, प्लीज आंसर करिए। आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बोलिए मैम। हाँ, मैंने यही क्वेश्चन पूछ बोला है ना कि उतना ही फील आप कर पाएंगे रिकॉर्डिंग से भी, उतना ही फील कर पाएंगे आप लाइव भी, उतना ही फील कर पाएंगे जब आप पर्सनल अटैचमेंट मिलेंगे। मैम मैं तो पर्सनल से भी ज्यादा फील कर पाया, पर्सनल से भी ज्यादा। ये लग रहा था जैसे आप मतलब मेरे को ही दे रहे हैं। थैंक चलिए, थैंक यू, थैंक यू। यू। चलिए, अभी आपकी क्लासेस हैं सारी, और आप रिपीट, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। नोट्स आपको सारे मिलेंगे, आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे, और ये आपका पेमेंट लिंक है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये आपका फीस स्ट्रक्चर दे रखा है 2107, और जो आपके ऑलरेडी जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए 1579 है। और ये आपका बैंक डिटेल है, आप फोन पे दे सकते हैं, गूगल पे दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट ऑफिस में कॉल करके, वहां पर भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम इस वेबिनार को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी कब है शुरू? अच्छा, इसमें 22nd तो आज ही है हमारा। नेक्स्ट क्लास आपको बता दिया जाएगा, आपको ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि आज हमारा क्या है, थर्सडे है, सैटरडे से तो नहीं है क्लास, अगले थर्सडे से होगी शायद से स्टार्ट क्लास। जो भी होगा मैसेज आपके ग्रुप में आ जाएगा। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, एक संसेशन होता है, तो कनेक्ट तो अच्छे से होता हूँ, बट क्या है कि थोड़ा कहीं मतलब कोल्ड वोल्ड हो जाता है। उसके लिए आपके क्या ओपिनियन है इसमें, कि कुछ संसेशन महसूस होता है? मैंने बताइए, किस क्वेश्चन किसने पूछा है ये? सत्यम मैम, सत्य। अच्छा, आपने पूछा, हाँ बताइए क्या कह रहे थे। आपको कोल्ड हो जाता है, ठंड लग जाती है? कोल्ड ठंड नहीं लगता है, संसेशन होता है ना, जैसे कोल्ड होगा, स्निचिंग हो जाता है, कंटिन्यू कंटिन्यू होता है। जैसे मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, अर्ली मॉर्निंग करता हूँ, तो मुझे फील होता है कि हाँ मैं कुछ नेक्स्ट लेवल में जा रहा हूँ। अंदर से एक आवाज आता है, तो वो कंटिन्यू करने के लिए कई बार कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और सेम करने में सेंसेशन होता है, कि बाद में होता है कि वो आप स्निचिंग होता है, फिर वो आपको वो बैलेंस नहीं होता है, कनेक्टिंग नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, आप थोड़ा कुछ गाइडेंस बता सकते हो? थोड़ा हेल्पफुल मिल जाएगा मेरे। देखिए, सबसे पहले तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मतलब अपना जो जिस जगह, क्योंकि अभी तो देखिए मौसम थोड़ा ठंडा है, तो आप उस बट चीज अभी मैं एक्चुअली मैं बैंगलोर रह रहा हूँ, इधर का मौसम बहुत अच्छा है, एक नॉर्मल रहता है। को। तो मैं बैंगलोर से आपके साथ जुड़ा हूँ, तो इधर का मौसम तो ऐसा नहीं कि ज्यादा कोल्ड है दिल्ली जैसा, या फिर ज्यादा गर्मी है, ऐसा नहीं है। अभी भी मौसम बहुत नॉर्मल है। क्या है कि मेरे को कोल्ड हो जाता है, मैं थोड़ा बाहर का थोड़ा ड्राइव ज्यादा करता हूँ, तो अगर आपको कोल्ड उसके होता है ना, लिए तो क्या? आप अपनी थर्ड आई के ऊपर और अपने थ्रोट चक्र और सहसार चक्र, क्राउन चक्र, इन तीनों चक्र पे थोड़ा ज्यादा हीलिंग करें जब आप अपना करते हैं। जी, एक बार और बोलिए। सहस्र चक्र और थर्ड चक्र और
थर्ड आई आई का। ऊपर का तीनों में करना है ना, हाँ थोड़ा सा और ज्यादा। ऊपर का तीनों चक्र मारना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो और मच। हार्ट चक्र पे भी कर सकते हैं, जोनार सिंबल आपने सीख लिया है, जोनार सिंबल को अपने हार्ट चक्र पे बनाएं और फिर हीलिंग करें, जी जो भी आपका कार्मिक होगा वो भी वहां से आपका हील हो जाए। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक ठीक यू मैम। है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ज्वाइन करें। माँ बाबा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू सो थैंक मच। यू।